इंतखाबात से खबर, कांग्रेस को जबरदस्त धक्का। तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने दिया इस्तीफा। तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। इन्होंने अपने इस्तीफे के मकतूब पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को रवाना कर दिया। 3 सफात पर मुश्तमिल इस्तीफे के मकतूब में शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि PCC सदर रेवंत रेड्डी की वजह से इस्तीफा पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो 35 साल से कांग्रेस से वाबस्ता है और कई PCC सुदूर के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी PCC सदर बनने के बाद पार्टी में काफ़ी तब्दीलियां रोनुमा हुई। पार्टी का हर तबका इनसे नाराज़ है, खास तौर पर टिकट की तकसीम में सीनियर कायदी नज़रअंदाज कर दिए गए। रेवंत रेड्डी ने टिकटों को बाजार की अशिया के तौर पर फरोख्त कर दिया। हकीकी कायदीन टिकटों से महरूम हो गए, इसलिए वो पार्टी से इस्तीफा पेश कर रहे हैं। इसी जमन में सदर कुलहिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बदकिस्मती ये है कि एक शख्स जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस के लिए गुजार दी, बदउनवानी और फिरका परस्ती की वजह से इस्तीफा देने पर मजबूर हुए। तेलंगाना कांग्रेस BJP की प्रॉक्सी है, ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी की माँ है। दारुसलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक, जो गुज़िश्ता 35 साल से अवाम की खिदमात में मसरूफ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तियाब है।